लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। आचार्य मां विचारिया नामन्ये नामार्थ बुद्ध्या स्वेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है हे नाथ अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो हे जीवन धन
अब बहुत हो चुका अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है अतएव प्रेम भिक्षा देहि साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रीतम प्यारी थी कि बनवारी नतवारी थी। रुहुन सिर परत मुकुट झलके, रुहुन श्रुति कुंडल भल हलके, रुहुन दृग प्रेम सुधा छलके, कसीले बनवारी नतवारी दुहुन दृग चितवनी परवारी, दुहुन लट लट कनी छवि न्यारी, दुहुन भौमट कनी अति प्यारी, प्रसन्न मुख पान असन मुस्कान, प्रसन्न दम पान दुहुनी बेसर छवि न्यारी थी। ते बनवारी नतवारी थी, आरती प्रीतम प्यारी थी, ते बनवारी नतवारी थी। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दुहुन उर लर मोदिन छहरे, कंकनन खनक किंकिनिन झनक, नूपुरन भनक दुहुन रुन झुन धुनी प्यारी थी। बनवारी नतवारी थी, आरती प्रीतम प्यारी थी, की बनवारी नतवारी थी। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे, दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे, संग
बनवारी नतवारी थी आरती प्रीतम प्यारी थी बनवारी नतवारी कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम कंदर्प नौमी जनक सुतावरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भज दीन बंधु शरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चापधर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण की दासता। दास भूतमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगतां प्रभु ईश्वर। संपूर्ण चराचर जगत देवता मनुष्य राक्षस कीट पतंग वृक्ष जितने भी जीव हैं सत के स्वामी श्री कृष्ण है। सब श्री कृष्ण के दास हैं। है नेचुरल है। सहर्ष ऐसा नहीं है संसारी दास जैसे बिगाड़ी करता है या बेमनी से भी दासता करता है, ऐसा नहीं। सभी जीव श्री कृष्ण के दास हैं। उनकी दासता ही उनका लक्ष्य है। 24 घंटे एक सेकंड को उनकी दासता के अतिरिक्त कोई जीव कुछ नहीं सोचता, करने की कौन कहे। आप लोग जानते हैं, बहुत बार समझाया है आप लोगों को कि श्री कृष्ण आनंद हैं। आनंदो ब्रह्मेति बजानात रसो वै सह। श्री कृष्ण का नाम है आनंद। हम उनके अंश हैं, ये भी आपको हजारों बार समझाया गया है। और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है, उसकी दासता उसका नेचर है। इसलिए हम लोग सदा आनंद ही चाहते हैं, यानी आनंद के दास हैं। कोई हो,
सब आनंद के गुलाम हैं। आनंद कैसे मिले, आनंद के लिए क्या करें? प्लानिंग, प्रैक्टिस, जितना जिसको ज्ञान है सब आनंद के पीछे भाग रहे हैं, यानी उनकी दासता कर रहे हैं। अब वो भले ही ये नहीं जानते कि आनंद और श्री कृष्ण एक ही है, किंतु हैं सब दास आनंद के, इसलिए श्री कृष्ण के भी दास हैं। ये हमारा नेचर है, इसको कोई काट नहीं सकता। करोड़ों कल्प अभ्यास करे कोई कि हम आनंद नहीं चाहेंगे तो भी इम्पॉसिबल, असंभव है कि वो आनंद न चाहे, दुख चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब आनंद चाहते हैं, आनंद के दास हैं, इसलिए श्री कृष्ण के दास हैं। इसलिए यहां लेखक कह रहा है कि हम सेवा चाहते हैं। अरे तो तुम सेवा तो कर रहे हो आनंद की? नहीं, आनंद आप में है, आपकी सेवा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और जो हम सेवा कर रहे हैं संसार में, किसी की, मां की, बाप की, भाई की, बीबी की, पति की, बाल बच्चों की, ये क्या है? ये तो अंश की सेवा है। अंश अंश की सेवा न करे, अंश अंशी की सेवा करे। देखो, समुद्र से तरंगे उठती रहती हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, तो तरंग से तरंग का संबंध नहीं है नित्य, वो तो थोड़ी देर का है, कहीं दो तरंग मिल गई, एक बुझ गई, एक और थोड़ी देर बाद बुझी। तो ये फिजिकल जो रिश्ता है संसार का, अंश अंश का, उस अंश के पास तो आनंद है नहीं, वो भी भूखा है। इसलिए जो अंशी है हमारा श्री कृष्ण, उसकी दासता से हमको अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो अंतिम लक्ष्य है जीव का श्री कृष्ण दासत्व, बस याद कर लो। उस दासत्व को पाने के लिए एक चीज है, वो पानी होगी, उस चीज का नाम है दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, हम मन का जो अटैचमेंट करते हैं वो नहीं, वो तो प्रेम पाने के लिए प्रेम करते हैं भगवान से, गुरु से। प्रेम नहीं कर सकते हम, हमको प्रेम हमारे पास है ही नहीं तो कहां से करेंगे? प्रेम तो लादनी शक्तेर परम सार तारो प्रेम नाम, लादनी शक्ति के सार तत्व को प्रेम कहते हैं। वो तो गुरु द्वारा मिलता है जब अंतःकरण दिव्य बन जाता है, वो तो लास्ट मामला है। तो भगवान की सेवा करना हमारा लक्ष्य है, उसके लिए दिव्य प्रेम चाहिए। और दिव्य प्रेम पाने के लिए हमको तीन चीज करनी होगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान और गुरु एक है, तो भगवान की सेवा अभी प्राप्त नहीं है तो गुरु की सेवा करनी होगी, और गुरु से प्रश्न करके थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा और शरणागत होना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन शरणागति, परिप्रश्नेन
जिज्ञासु भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करना और सेवाया, ये तीन चीज गुरु से करनी होगी। साथ में भगवान की भी भक्ति करो, लेकिन ये तीन चीज तो गुरु के साथ संबद्ध है। भगवान तो अभी हमको मिलेंगे नहीं कि हम उनकी सेवा करें या उनसे कुछ पूछें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तुम कौन हो, तुमको कैसे हम प्राप्त करें। तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गोलोक में हम नहीं जाते, तब तक हम गुरु की सेवा का ही वही लाभ पाएंगे जो भगवान की सेवा का मिलता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि गुरु की शरण में जाओ और परिप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त करो और सेवा करो। ये तीन बात जब करोगे और इसके साथ भक्ति, तो फिर अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर अंतःकरण दिव्य होगा, फिर वो दिव्य प्रेम देगा गुरु, फिर दिव्य लोक में जाकर गोलोक में भगवान की सेवा मिलेगी। ओ आग वाली बात है, उसको छोड़ो अभी। अभी ये समझो कि हमको गुरु और भगवान के शरणागत होना है, मन बुद्धि का समर्पण, ये मेन शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पा नंबर एक, अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। सोचना नोट कर लो, ये बोलना नहीं, सुनना नहीं, सोचना मन का काम है। शरणागति मन को करनी है ना, भक्ति मन को करनी है ना। इसलिए आनुकूल्यस्य संकल्पा, छह लक्षण है लेकिन और सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही एक, अनुकूल ही चिंतन करना। हरि गुरु के शरणागत होना है ना, हाँ, तो हरि गुरु दोनों के अनुकूल ही सोचना, उनके खिलाफ कोई आइडिया पैदा होने न पाए। ऐसा गुरुजी ने हमको क्यों कहा, हमको क्यों डांटा, हमारी बात क्यों नहीं माना, हमको ऐसा आदेश क्यों दिया, बस बिगड़ गई बात, शरणागति गई। आपने तो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम किया नहीं, प्रतिकूल सोचने लगे, शरणागति से च्युत हो गए, गिर गए। और गिरे तो जैसे बिजली का तार डिस्कनेक्ट हो जाए पावर हाउस से, तो अंधेरा, जीरो हो गया। भगवान और गुरु से तुम्हारा जो संबंध है मन का, वो अनुकूल से संकल्प से ही है। अनुकूल ही चिंतन, इसी को कहा गया, देखो हरि गुरु की इच्छा में इच्छा रखो, इसका नाम सेवा। ये सेवा शब्द आप लोग सुनते हैं ना, गुरु की सेवा करनी चाहिए, आगे भगवान की भी सेवा मिलेगी। तो ये सेवा माने क्या होता है, सेवा माने पैर दबाना, कि सेवा माने सिर दबाना, कि सेवा माने रसगुल्ला खिलाना, क्या मतलब है सेवा का? सेवा का मतलब है जिससे हमारे सेव्य को सुख मिले। बस याद करो, याद करो, ये फार्मूला भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हमारी जिस क्रिया से हमारे सेव्य को सुख मिले,
ओ सेवा, उनकी इच्छा है पानी पिला दो, हम रसगुल्ला दे रहे हैं, ये सेवा नहीं है। हम जो चाहते हैं वो सेवा नहीं है, जो वो चाहते हैं वो हम दें। हम दास है ना, हम दास का मतलब उनको सुख देना। हम तो अपने को सुख दे रहे हैं कि हमको तो ऐसा करने में सुख मिलेगा, ऐसी सेवा करने में। हम तो ऐसी सेवा चाहते हैं, क्यों हमको ऐसी सेवा से सुख मिलेगा? अरे तो तुम सेवा शरण की कहां कर रहे हो, अपनी कर रहे हो फिर तो। वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है, वो कभी सेवक नहीं हो सकता। अनंत जन्म मर जाए, फेल होगा हमेशा। स्वार्थ का तो त्याग करना है, तो तत् सुख सुखित्वम। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया इसके लिए कि देखो, तुम लोग जो भगवान से गुरु से प्यार करोगे, शरणागत होगे, तो उसको भावार्थ समझ लो कि उनके सुख में सुखी होना, उसी को उनकी इच्छा में इच्छा रखना। अनेक प्रकार से बोलते हैं उसी बात को, अपनी इच्छा से सेवा या अपनी इच्छा लादना अपने सेव्य पर, मैं ऐसा चाहता हूं। अरे तो तुम हमारे स्वामी हो गए फिर। वो स्वामी कहां रहा? तुम ऐसा चाहते हो, हमारे इष्ट देव ऐसा करें, तो इष्ट देव तुम्हारे सर्वेंट हो गए और तुम स्वामी हो गए। इसलिए अपनी इच्छा को त्याग दो सदा के लिए, फिर देखो कितनी स्पीड में आगे बढ़ते हो। क्योंकि फिर गड़बड़ अपराध की होगी ही नहीं, अपराध कैसे करोगे? वो जो कह रहे हैं वो ठीक, वो जो कह रहे हैं उसी प्रकार चलना है, अब विपरीत चिंतन होगा ही नहीं, नामा अपराध होगा ही नहीं। ये नामा अपराध इतना बड़ा खतरा है कि हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानबे अपराध आछे प्रचुर, हे न कृष्ण नाम बीज ना होय अंकुर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि बहुत से लोग सोचेंगे कि हमने बहुत नाम संकीर्तन किया और हमको आंसू नहीं आते, प्रेम नहीं पैदा हो रहा है अंदर, क्यों? तो सुन लो उसका जवाब। ये अपराध करते हो तुम बीच बीच में, नामापराध करते हो भगवान और गुरु के प्रति, तो उस नामापराध के कारण ये हरि नाम में वो उसका जो हरि नाम का बीज है वो सूख जाता है, अंकुरित नहीं होता, यानी प्रेम नहीं पैदा होता अंदर। तो सेवा का मतलब स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, जिस क्रिया से उनको सुख मिले वही क्रिया करना। अगर तुम अंतर्यामी नहीं हो कि भाई हम कैसे जाने वे किस क्रिया से प्रसन्न होंगे, तो वो जो आज्ञा दें उसका पालन करो, बस आंख मूंद के और प्रसन्नता पूर्वक, ये शर्त है। आज्ञा पालन तो बहुत तो लोग करते हैं, लेकिन विपरीत चिंतन करके आज्ञा पालन। हमको ऐसा कह दिया आप, अब तो करना तो पड़ेगा, ये कह रहे हैं तो। ये भीतर सोचा गए, गिर गए। अरे मैंने कुछ कहा थोड़ी, अरे सोचा ना।
भगवान के यहाँ कहने वहने का मूल्य नहीं है, बस सोचने का मूल्य है, मन से चिंतन। इसलिए बहुत सावधान हो करके हमें इस एक सेंटेंस पर बुद्धि को केंद्रित करना है, सेवा पर। जिस आदेश से उनको सुख मिले वही सही है। हमारा ख्याल, फिर हमारा ख्याल लगाया तुमने तो बुद्धि की शरणागति कहां है तुम्हारी। वो कह रहे हैं कि तुम वहां जाकर के ये काम करो, भगवान नाम मत लेना एक बार भी। भगवान नाम लेने को रोकते हैं और कहते हैं ये काम करो, हैं? गए। उद्दालक मुनि का एक कथानक है वेद में। एक गुरुजी सब शिष्यों को वेद पढ़ाते थे। एक व्यक्ति खाली सेवा करता था और गुरु का ध्यान करता था, पढ़ने में वो जीरो था। कई साल हो गए कुछ नहीं पढ़ पाया, अब बस सेवा में रहे हमेशा। एक बार बहुत पानी बरसा तो गुरुजी की खेती थी, उसी से अनाज पैदा होता था, शिष्य लोग भी खाते थे, गुरुजी भी। तो पानी बरसा तो पानी बह रहा था वो मेड़ काट करके, तो गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा कि उसको बांध दो, सवेरे धान बोना होगा, उसमें पानी बह जाएगा तो धान कैसे बोओगे। तो सब शिष्य गए और मिट्टी रखा, वो मिट्टी बह गई, वो तेज धार थी। तो लौट आए, हम तो कह देंगे गुरुजी से हम नहीं बांध सकते। तो आखिर में उसको भेजा जो पढ़ने में जीरो था, उसने भी मिट्टी रखा, बह गई। उसने कहा आप क्या करें, और अगर जाके हम कह देते हैं गुरुजी से कि हम नहीं बांध सकते तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। बांधना तो है ही है, कैसे बांधे, क्या करें, क्या उपाय करें। तो वो स्वयं लेट गया उसमें ऐसे करके, और सारी रात लेटा रहा। अब सवेरे वही सेवा करता था, गुरुजी ने बुलाया भी, वो कहां है। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं गुरुजी, वो कल रात को गया तो था वहां बांधने मिट्टी, उसके बाद लौटा नहीं। अब गुरुजी गए सवेरे उस खेत में, शिष्य लोग भी साथ में, आवाज दिया तो वही लेटे लेटे बोल रहा है, गुरुजी मैं यहां पानी को रोके हूं। अरे इधर आ, गुरुजी पानी बह जाएगा तो आप मत कहिएगा मुझे। उन्होंने कहा अच्छा बह जाने दे, तू आ जा। गुरुजी ने हृदय से लगाया और सिर पे हाथ रखा, सब शास्त्र वेद का ज्ञान हो गया। और शिष्यों से कहा कि देखो तुम लोगों ने क्या किया, और तुम इसकी इसका अपमान करते हो सब लोग, ये गंवार है, अपढ़ है, ये वहां मूर्ख है, जाहिल है, ऐसी गंदी भावना रखते हो इसके ऊपर। तो आज्ञा पालन ही अंतिम लक्ष्य है और प्रारंभिक लक्ष्य है, और बीच में भी यही चलेगा। इसलिए सेवा को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस क्रिया से हमारे स्वामी को सुख मिले वही क्रिया हमारे लिए कल्याणकृत है, हमारे सोचने के अनुसार नहीं। हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। अरे अगर हमारी बुद्धि वहां चली जाए तो फिर हम ही गुरु हो गए।
परिपूर्ण हो गए, फिर तो फिर क्या कमी रह गई। एक व्यक्ति को ऐसी सेवा दे रहा है गुरु, वो जानता है इसको इस सेवा से लाभ होगा, एक को दूसरी सेवा दे रहा है, उसको ऐसा क्यों दिया, हमको ऐसा क्यों दे रहे हैं। लो गया मरा, यही आप लोग करते हैं दिन रात, तुरंत बुद्धि लगाते हैं, जैसे कोई आप गुरु के भी गुरु है, एक सेकंड देर नहीं, एक सेकंड। उसको तो ऐसा कहा, हमको ऐसा कहा, नहीं बोलते सभ्यता के कारण, वो बात अलग है। लेकिन वो तो गिर गया, बोलने से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल से मतलब है, भावना से मतलब है। इसलिए उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख को ही लक्ष्य रखना, उनको कभी दुख न होने पाए, ऐसा क्यों किया ये न कहना पड़े। ऐसा कोई काम हम न करें कि उनको दुख हो, उनके पास रिपोर्ट जाए या वो नोट करके हमको दुखी हो। हम सावधान रहे हमेशा, ये शरणागति एक दो घंटा की नहीं होती, शरणागति सदा करनी पड़ेगी, निरंतर। जैसे मैं को निरंतर रियलाइज करते हो, ऐसे ही शरणागति भी निरंतर करनी होगी। थोड़ी देर के लिए शरणागत हो गए, आंसू भी निकल गए, और हाँ हम बड़े बेवकूफ हैं, गधे हैं, दीन है, पापी है, ये फीलिंग भी हो गई, फिर भूल गया और फिर विपरीत चिंतन कर रहे हैं गुरु के भगवान के। ये सब दोगली बातें नहीं करनी होगी, एक लक्ष्य रखना होगा। इसलिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा। पहले जैसे जब पहले आप लोग साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो बहुत सावधान रहते हैं, फिर अभ्यास जब हो जाएगा तब फिर बात भी कर रहे हैं, फोन से भी, और गाड़ी भी चल रही है, पीछे आदमी साइड मांग रहा है वो भी देख रहे हैं। सब काम हो रहा है, लेकिन पहले तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये मन दुश्मन है, बहान दुश्मन है। अरे छोटे मोटे नहीं, ऋषभ भगवान के अवतार, उनके पास सामने सिद्धियां आई, कहा आप लोग कौन है, महाराज सिद्धि है हम लोग आपकी सेवा के लिए, भाग जाओ, खबरदार आइंदा आना नहीं हमारे सामने। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्र जाये व पुंश चली। अरे मन बड़ा खतरनाक है, जरा सा सावधान हुए कि वो अपना काम कर लेता है, अपराध वाला अहंकार, हमारा ख्याल ऐसा है कि चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे बृहस्पति हो, सब इस गुनाह में गुनहगार है, सब के सब। एक आज्ञा दिया गुरु ने, हाँ भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को ऐसा करना है, सबको हम तो हमको नहीं करना, हमको तो ना कहे तुमको करना है, हमको ना कहे तो अच्छा है, ना कहे तो अच्छा है। हमारा ख्याल है ऐसा आप लोग करते हैं, आप लोग जानते होंगे जो कुछ करते हैं। जैसे धन की सेवा है, आप लोगों से हम धन मांगते हैं 25 साल से, का खास तौर से हमारा प्लान था ऐसा अस्पताल बने, ऐसा मंदिर बने, ऐसा ये हो, ऐसा ये हो, आप लोगों के सत्संग का भवन बने,
आप लोगों के लिए। मेरे नाम संपूर्ण इंडिया में एक गज जमीन नहीं, एक कमरा नहीं, मेरे खुद के नाम सब आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों को दिखा दिया, देखो क्या बना है। ऐसा भी नहीं कि वो चोरी चोरी हम बनाएंगे, कभी सब सामने है आपके और सबका हिसाब है गवर्नमेंट में। लेकिन ये जो आप लोगों ने सेवाएं की हैं धन की, तमाम अपराध करके की हैं, छोटी छोटी चीज 5,000 की, 10,000 की है, ऐसा करना है तुमको करना है। अब 10,000 खर्चा होगा, अब कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, नहीं मना कर दो, हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बुरी बात होगी। अरे होगी तो होगी, कह दो। ये सब आप सोच रहे हैं, और एक एक्सीडेंट हो जाए आपका तो अभी 1,00,000 खर्चा हो जाए, ऑपरेशन होगा, डॉक्टर को देना होगा, अब कहां से रुपया आया, उधार लिया। अरे कुछ किया, एक लड़की है ब्याह करना है, अरे 1-2 लाख से तो कम में होता नहीं, चलो भाई करो, करना ही है, जैसे भी हो करो। ये जो तुम परमार्थ तुमसे कराया जा रहा है, ये गुरु न करावे तो तुम तो 1 पैसा न करो सारे जीवन में, और मरने के बाद 84 लाख में घूमो। ये तो तुम्हारे पीछे पड़ करके हम करवा लेते हैं, इतना करवा लिया, कोई ज्यादा अमीरों का पैसा नहीं लगा है, ज्यादा गरीबों का ही लगा है पैसा इसमें, लेकिन अपराध कर जाते हैं आप लोग। 1,000 बार समझाने पर भी नहीं मानते, चोरी कर लेते हैं, चोरी। ये जो आप लोग सोचते हैं ना प्राइवेट, ये चोरी है गुरु और भगवान दोनों से, इसको चोरी कहते हैं। और चोरी कितना बड़ा पाप है, जिसके प्रति चोरी होती है उसी के हिसाब से वो बड़ा पाप कहलाता है। जिसकी कृपा आप चाहते हैं भगवान की, गुरु की, उसी से चोरी कर रहे हैं, उसी के खिलाफ सोच रहे हैं, सामने बैठ के निर्भय होके हमसे ऐसा कहा, ऐसा कहा। हो सकता है वो गुरु जानता हो, लेकिन वो तुमसे कहेगा नहीं, तुमको निकालेगा नहीं सत्संग से। वो आशा करता है कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ये लगा रहने दो, चलने दो, क्या करें, हमारा काम समझाने का है, हम समझाते रहेंगे, हो सकता है एक दिन असर हो इसके ऊपर। रसरी आवत जात दे सिल पर होत निशान, हो ये घुणाक्षर न्याय जो, घुणाक्षर न्याय कहलाता है, एक घुन जो है और लकड़ी को खोदता रहता है, और खोदते खोदते कहीं राम श्याम कोई खुद जाए अक्षर बाय चांस, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हम भी आशा करते हैं, अब भले ही 10% 20% सफलता मिले लेकिन आशा तो करते ही है। तो ये सेवा का रहस्य न जानने के कारण, या जान करके भी संसारी अटैचमेंट इतना जबरदस्त है आप लोगों का, कि जानते हुए भी, और वो अटैचमेंट आपसे अपराध करा लेता है। हमारा पैसा है, वो हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है, ये भगवान ने दिया है मां के पेट में और यहीं धरवा लिया जाएगा, तुम्हारा क्या है। तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए
और उसके अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिन मेहनत है, हर समय सावधान। हाँ, अनुकूल ही चिंतन करेंगे, प्रतिकूल नहीं करेंगे। ये बार 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 अभ्यास हो जाए, बस फिर आदत पड़ जाएगी। कोई भी काम संसार का आप लोगों ने अचानक नहीं कर लिया। एक छोटा सा बच्चा है, देख लो उसको कि चलने के लिए कितना परेशान है। वो घुटने के बल कुछ दूर चलता है, थक जाता है, बैठ जाता है, फिर कुछ दूर चलता है। वो देखता है ये सब तो चल रहे हैं, हम ही नहीं चल पाते। लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, एक दिन सफल होगा। लगा रहे सही सही अभ्यास में। अभ्यास ही इलाज है और कोई नहीं। अभ्यास अनुतकौन्ते वैराग्य न चिगृह्यते। सोचना होगा एक दिन अकेले जाना है। अकेले अकेले कैसा लगेगा उस दिन जब अकेले जाओगे तो? और कहां जा रहे हो ये भी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा काम तो अभी किया नहीं कि बहुत अच्छी गति मिले। संसार में अटैचमेंट है। अब अकेले जब जाओगे तो किस तरह से ले जाए जाओगे और क्या क्या दंड मिलेगा, वो समय दूर नहीं है। रोज देख तो रहे हो, वो आज हो गया, आज हो गया, अरे अभी अभी वो ठीक था, अभी अभी गया। तो सेवा का रहस्य समझना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल पालन का अभ्यास करना चाहिए। असंभव नहीं, लेकिन अगर अभ्यास न करोगे तो असंभव ही है। अनंत जन्म बीत चुके हैं, आगे भी बीतेंगे, क्या करेगा कोई गुरु? करोड़ गुरु मिल चुके अनंत जन्म में, सब ने आप लोगों को समझाया है। कुछ दूर आप आगे चले फिर लौट आए। यही करते रहे हमेशा। लेकिन आप मनुष्य देह का महत्व रियलाइज करो और ठीक ठीक सेवा की भावना से शरणागत हो करके लक्ष्य को प्राप्त करो।
हरि बोल बोल हरि बोल प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी प्यारी।